enough is enough, बाबर। अगर आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो इस मैच के बाद रिजाइन दे दो। ये खेल अब क्रिकेटर्स नहीं, सियासतदान खेल रहे हैं मुल्क के साथ। गुड बाय फॉर एवर, आई एम डन विद दिस शिट। ये टीम जरूर इस मिशन पे है कि हॉकी की तरह हमारी क्रिकेट को भी बर्बाद कर दे। किसी को अमेरिका से कुछ मंगवाना है तो बता दे, हमारी क्रिकेट टीम वापस आ रही है। ये सब कॉमेंट्स तो सोशल मीडिया पे आपकी नजर से जरूर गुजरे होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ मैच हार गया तो क्रिकेट फैंस आग बगोला हो गए और क्रिकेट टीम को ऐसी बातें सुना दी। और हमेशा की तरह वही हुआ, इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान का अगले मरहले तक पहुंचने का सफर अगर मगर का शिकार हो गया। दो मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम का सुपर 8 तक पहुंचना बाकी टीम्स पर डिपेंडेंट हो गया। मतलब पाकिस्तान को अगले दो मैचेस जीतना होंगे और यूएसए टीम अगर दो मैचेस हार जाती है तब ये मुमकिन है कि पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाए। लेकिन अगर अमेरिका एक भी मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन आखिर कब तक हम अगर मगर की सिचुएशन में फंसे रहेंगे? इस बार तो क्रिकेट फैंस और शोबिज सितारे भी पाकिस्तान के इतने बड़े लॉस पे चुप ना रहे और क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। आसिम अजहर ने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से भरपूर स्टोरी लगाई और कहा, गुड बाय फॉर एवर, आई एम डन विद दिस शिट। कोई प्लानिंग नहीं, एकदम ब्रेन लेस क्रिकेट खेली है टीम ने। अहमद अली बट भी खामोश ना रहे, क्रिकेट टीम को खरी खरी सुना दी। कहा, तुम लोग पीएसएल के ही जोगे हो जहां तुम्हारी सिफारिशें और ईगोस चलती हैं। असल दुनिया में तुम लोगों की कोई औकात नहीं। गली मोहल्ले की टीम भी ना तुम लोगों से बेहतर खेलती है। इस बार तो मावरा हुकेन भी खुलकर बोली, कहती, जब लगता है जीतने लगे हैं हार जाते हैं, जब लगता है हारने लगे तब भी हार जाते हैं, जब लगता है टूर्नामेंट से निकल जाएंगे फाइनल में पहुंच कर हार जाते हैं। बस इतना तो बता दे कि हम करें तो क्या एक्सपेक्ट करें। मानी ने अपने मन को मार कर कहा, क्रिकेट फजूल खेल है, हमारा कौमी खेल तो करप्शन है। पूरी दुनिया की कोई ताकत हमें करप्शन में शिकस्त नहीं दे सकती। और तो छोड़े, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान इरफान पठान ने भी पाकिस्तानियों को बुरी तरह क्रिटिसाइज करके कहा, जितने भी पड़ोसी बकवास कर रहे थे अब बताना संडे कैसा गुजरा। खैर, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। एक्ट्रेस जोया नासिर ने इरफान पठान को तंजन जवाब दिया, वाओ व्हाट अ कैलिबर। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक बंदा जो एप्रिसिएशन समेट रहा है वो है नसीम शाह, क्योंकि पूरी क्रिकेट टीम में मैच जितवाने की सबसे ज्यादा सर तोड़ कोशिश नसीम शाह ने की। उन्होंने 4 गेंदों पर 10 रन स्कोर किए जबकि 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेट्स भी ली। मैच के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी बॉलिंग की तारीफ की और उन्हें रोने से मना भी किया। पूरे पाकिस्तान ने नसीम शाह की परफॉर्मेंस की तारीफ की क्योंकि बंदे ने मैच में जान तो डाल दी थी। इनफैक्ट हैशटैग नसीम शाह इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। वैसे वाकई मैच हारने के बाद सब पाकिस्तानियों का दिल भी नसीम शाह की तरह फूट फूट कर रो रहा है। हारने के बाद आपकी क्या सिचुएशन है हमें कमेंट्स करके बताएं।